ये हैं हमारे अनार, और अब आज हम इन अनार को तोड़ रहे हैं। इतने सारे जो हैं अनार तोड़ लिए हैं, ये देखिए, ये हैं वहाँ पर जो पीछे रखे हुए हैं, वो हैं अंडे। दोस्तों, लगातार हो रही बारिश के बाद आज जो है बारिश रुकी हुई है, और आज मैं करने वाला हूँ मेरे टेरेस गार्डन से सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आज कुछ मुझे नई सब्जियाँ भी मिलने वाली हैं जो मैं आज यहाँ से तोड़ने वाला हूँ, जिसमें खीरा, करेला नए वाले मिलेंगे जो मैंने स्पेशली रेनी सीजन के लिए लगाए हुए थे। देखिए, ये लगे हुए हैं। तो आज की हार्वेस्टिंग आपको देखनी है पूरी और बतानी है कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। स्पेशली रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं होती, लेकिन मुझे फिर भी अभी जो है मेरे टेरेस गार्डन से काफ़ी सब्जियाँ मिल रही हैं। तो चलिए तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियाँ और उन्हें रखते हैं एक साथ और बताते हैं आज मुझे क्या क्या मिला। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम इस खीरा से। देखिए, ये काफ़ी लंबे समय के बाद हमें मिली है। काफ़ी समय से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें खीरा कब आए। तो देखिए, एक खीरा तो ये है, इसके बाद जो दूसरी खीरा है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी लंबी खीरा हमें मिली है, मैं यहाँ से इसे तोड़कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और हमने फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप लगा दिया था। तो देखिए, जो हमारे खीरा के फल हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। और तीसरी खीरा ये है, और ये जो खीरा के पौधे हैं ये 24x12 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और देखिए, हमने ऊपर गोबर की खाद डाली हुई है। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से ऑर्गेनिक खाद डालकर खीरा लगाएंगे तो उससे आपको रिजल्ट भी इस तरह का ही मिलेगा। तो ये खीरा, यहाँ पर तीन जो खीरा हैं वो हमने यहाँ पर हार्वेस्ट कर लिए हैं, ये देखिए। और अभी यहाँ ढेर सारे खीरा लग रहे हैं। कैसे लगते हैं तो ये देख लीजिए, ये खीरा के फीमेल फूल हैं और ऊपर जो ये फूल हैं ये मेल फूल हैं। अभी इसमें और भी खीरा लगेंगे। तो इस तरह से अब हमें यहाँ से खीरा मिलना शुरू हो गए हैं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे करेले जो कि हमने रेनी सीजन के लिए लगाए थे, और अब देखिए ये करेला बिल्कुल तैयार है तोड़ने के लिए, तो हमने इसे तोड़ लिया है। कौन कौन करेला खाने का शौकीन है ज़रूर कमेंट्स करें। और अभी हम वाइट वाले करेले तो तोड़ ही रहे थे, ग्रीन करेले हमारे ख़त्म हो गए थे, तो अब यहाँ से हमें ग्रीन करेले भी मिलने लगे हैं। तो यहाँ से आज एक, दो, और ये जो तीसरा करेला है ये भी रेडी हो गया है। तो हमने ये तीन करेले तो यहाँ से तोड़ लिए हैं, और एक करेला यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये चार जो करेले हैं ये करेले हैं हमारे लंबे वाले, और साथ में हमने लगाए हैं छोटे वाले करेले, ये देख सकते हैं इस तरह से होते हैं। तो एक तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, और अभी यहाँ पर छोटा करेला एक ही है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, और करेले जो ऊपर हैं वो बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये बन रहा है बड़ा करेला, एक ये बन रहा है। तो इस तरह से अब आगे चल के हमें ढेर सारे और करेले यहाँ से मिलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में हमें चार बड़े करेले, एक छोटा करेला मिल गया है। इस तरफ लगी हुई है हमारी गिलकी, तो गिलकी भी आप देखिए अब बड़ी हो रही है, लेकिन अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पे ये गिलकी है, और ये तोरई में अभी फूल आना शुरू नहीं हुए हैं, तो ये तोरई है। इसमें अभी मेल फूल आ रहे हैं, ये देखिए ये मेल फूल आया हुआ है। तो ये करेले रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी बरबटी, अब आप देखिए ये बरबटी जो है तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसे आज हम यहाँ से तोड़ रहे हैं। आप लंबाई देखिए कितनी लंबी ये हुई है। इस बार बरबटी हमें काफ़ी अच्छी मिली है, काफ़ी ज़्यादा तोड़ने को भी मिली है, और हमने इसे गर्मियों में भी लगाया था, और अभी हमने इसे जो है रेनी सीजन के लिए लगाया, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिला। आपको इस तरह से देखकर तोड़ना होगा, क्योंकि ये ग्रीन रहती है तो बहुत जल्दी दिखती नहीं है, और एक बार अगर ये तोड़ने में आपने छोड़ दिया तो दूसरी बार ये जो है इसके बीज जो है हार्ड हो जाएंगे और खाने लायक वो नहीं बचेगी। ये देखिए, इतनी बरबटी अभी यहाँ से हो गई है, और कुछ बरबटी पीछे साइड लगी हुई है। अभी तो मैंने दो ये तोड़ ली, और उस तरफ से मैं उन्हें तोड़ूंगा। तो अब जाते हैं उस तरफ, और जो बरबटी लगी है कुछ उस तरफ, वहाँ से उसे तोड़ लेते हैं। अब देखिए, इस तरफ ये ऐसी बरबटी लगी हुई हैं, तो यहाँ से हम इन्हें तोड़ लेते हैं।
और क्रीपर पर हमने इन्हें फैला रखा है, इनकी जो बेल है उसे। ये देखिए काफी अच्छी बरबटी। ये थोड़ी सी छोटी है। इसके बाद यहाँ पर काफी अच्छी बरबटी लगी हुई है, ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। साथ में दो बरबटी यहाँ पर हैं। तो ये देखिए हमारी इतनी सारी बरबटी हमें मिल गई है। एक और ये छूट गई है तो इसे और तोड़ लेते हैं। ये अभी ठीक है, इसे भी तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए एक एक गिर रही है, इसको उठा लेते हैं। तो इतनी बरबटी मिली है, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारा ककोरा, जिसे कंटोला भी कहते हैं। एक इस तरफ लगा हुआ है और एक लगा है इस बेल के उस तरफ। तो यहाँ से हमने इस एक ककोरा को तोड़ लिया है, दूसरा वहाँ है, उसे और तोड़ते हैं। दूसरा ये लगा हुआ है, ये थोड़ा छोटा है लेकिन इसे भी हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये हमारी खीरा लगी हुई थी, आप देखिए इसमें खीरा भी लगी हुई हैं, लेकिन ये पौधा ख़राब हो चुका है। इसकी जो रूट हैं ये ख़राब हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसकी जड़ जो है पूरी गल गई हैं और ये अब पौधा सूख गया है, जिसमें जो तीन खीरा अभी लग गए थे वो हम आज यहाँ से तोड़ लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी बेल थी, तो बिल्कुल जब इसमें खीरा लगने लगे तभी ये ख़राब हुआ है। तो ये जितने भी यहाँ खीरा के पौधे थे वो सब ख़राब हो गए हैं, लेकिन अभी जो दूसरा खीरा का पेड़ है जिससे हमने पहले खीरा तोड़े थे वो अभी अच्छा है, वहाँ से हमें ढेर सारे खीरा मिलेंगे। तो इन्हें भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे अनार और अब आज हम इन अनार को तोड़ रहे हैं। तो ये जो दो अनार हैं वो एक साथ ही टूटेंगे इस तरह से, और अब ये जो अनार हैं वो लाल हो गए हैं, इनके जो अंदर के दाने हैं वो अब लाल निकलने लगे हैं। तो आज हम काफ़ी अनार तोड़ने वाले हैं। इसका एक और कारण है कि यहाँ पर गिलहरी जो है आने लगी है और वो फिर आकर जो है पूरे अनार खा जा रही है। एक हमारे अनार के पेड़ में उसने काफ़ी अनार खा लिए हैं, तो आज यहाँ से हम तोड़ लेते हैं। जैसे ये भी काफ़ी दिन का लगा हुआ है, आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि अनार जब पुराना हो जाए तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से दिखेगा, तो आप उसे तोड़ लीजिए। बहुत जल्दी नहीं तोड़ना है आपको, और बहुत जल्दी तोड़ेंगे तो फिर उसमें दाने सफ़ेद भी निकल सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वजन भी है इस अनार में, तो थोड़ा सा वजन कम भी हो जाएगा। ये देखिए ये सही टूट गया, दो एक साथ लगे थे तो एक अनार यहाँ से तोड़ लिया हमने। अब थोड़े से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये दो अनार सही हैं। और अनार को तोड़कर आप रख लेंगे तो ये कई दिन तक ख़राब नहीं होंगे। देखिए अंदर से ये हल्का सा आपको लाल दिखेगा। एक अनार मैं आज आपको ज़रूर निकाल के दिखा दूंगा, मतलब काट के, कि उसके अंदर के दाने कैसे निकल रहे हैं। तो एक हमने ये तोड़ लिया है। कभी कभी आपको अनार अगर छोटा दिख रहा है तो इसमें भी अनार के दाने लाल हो जाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं छोटा ज़रूर है लेकिन इसमें भी अनार के दाने जो है लाल हो जाएंगे, इसे हम छोड़ देते हैं। तो ये देखिए अब हमने आज इतने सारे जो है अनार तोड़ लिए हैं, 3, 6, 9, 10 अनार आज हमने हार्वेस्ट किए हैं। ये अनार आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं, और इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये जो अनार के पेड़ हैं ये लगे हुए हैं इस तरह से 18x18 इंच के ग्रो बैग में, और दो अनार के पेड़ हैं, और आप देखिए इतने सारे अनार तोड़ने के बाद भी अभी इनमें ढेर सारे अनार लगे हैं, और पीछे तो 3 अनार एक साथ, और उधर आप देखेंगे तो 4 अनार एक साथ लगे हुए हैं। अभी भी इसमें 20-25 अनार तो होंगे, और पहले भी हम यहाँ से 5-10 के आसपास अनार तोड़ चुके हैं। तो रखते हैं इन्हें सब्जियों के साथ और करते हैं दूसरी सब्जी की हार्वेस्टिंग।
ये है हमारा नींबू का पेड़ और इसमें लग रहे हैं ढेर सारे नींबू। तो इस तरह से नींबू लग रहे हैं तो हम इन्हें हर बार तोड़ लेते हैं, और अगर आप इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये पीले होकर गिर जाएंगे। कैसे गिर जाएंगे देखिए, एक यहाँ पर ये देखिए ये गिरा हुआ है और कल ही गिरा होगा, अभी ये अच्छा है। तो आज यहाँ पर जितने भी नींबू हैं हमारे, इस तरह से इन्हें मैं तोड़ लेता हूँ। हल्का सा घुमाना पड़ेगा इनको तो ये आसानी से जो है टूट जाते हैं। अब देखिए ये क्रैक हो गया है, ये ज़्यादा पानी की वजह से इस तरह से होते हैं बारिश में। नींबू फटने की जो समस्या है ये तभी आती है बारिश के समय में, जब ज़्यादा पानी होने लगता है। और ये नींबू जो है इसमें हमेशा नींबू लगे रहते हैं इस तरह से, तो अभी भी इसमें छोटे नींबू जो है बन रहे हैं। और देखिए कुछ ये मीडियम साइज के हैं और कुछ बिल्कुल छोटे हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ से जो है सभी नींबू को एक ही लगा हुआ है, इस तरह से देख के नींबू तोड़ लेते हैं। तो इस पेड़ से लगभग हमें इतने नींबू मिले हैं। नींबू का एक और पेड़ लगा हुआ है, उसमें और कुछ नींबू हैं, उन्हें और तोड़ लेते हैं। अब ये दूसरा नींबू का पेड़ है हमारा, और इसमें भी आप देखिए इस तरह से जो है नींबू अब जो है पीले होने लगे हैं। तो आज हम यहाँ से भी ये जो नींबू हैं इन्हें तोड़ लेते हैं। और ये नींबू का पेड़ जो है ये भी 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, और देखिए मैं थोड़ा सा ही घुमा रहा हूँ और ये टूट जा रहे हैं। अगर आप इन्हें अभी नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये जो है गिर जाएंगे। आप देखिए कितना बड़ा साइज है नींबू का, काफ़ी बड़ा साइज हमें मिला है। और ये है इसका ग्रो बैग 18x18 इंच का, और इतने सारे नींबू हमने आज तोड़ लिए हैं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये देखिए ये लगी है हमारी गोल वाली लौकी, और अभी बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम आज इन्हें यहाँ से तोड़ लेते हैं। और दो लौकी ये आज हमें मिल रही हैं यहाँ से तोड़ने, और बाकी की जो है पहले हमने काफ़ी लौकी तोड़ी थी, तो अभी अभी हमें ये दो गोल लौकी ही मिली हैं। आज लंबी लौकी नहीं है, इन दो गोल लौकी को रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारा वाइट वाला करेला, और इसके साथ देखिए ये लौकी भी बन रही है। तो आज यहाँ से ये हम वाइट वाला करेला तोड़ लेते हैं। एक हमने तोड़ लिया है और दूसरा करेला हमारा रखा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। तो इसे भी मैं आज यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये देखिए, तो ये दूसरा वाइट वाला करेला जो हमने तोड़ लिया। एक जो छोटा है ये वाइट करेला, थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसे भी हम तोड़ लेते हैं, और एक वहाँ है उसे और तोड़ लेते हैं। तो देखिए इतने हमें करेले अभी मिल गए हैं वाइट वाले, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारा स्नेक गार्ड, और इसे आज मैं हार्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है अब मुड़ चुका है और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए ये काफ़ी लंबा होता है, लेकिन अभी जो है इनको हम छोटे ही हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ख़राब होने लगते हैं, तो इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे बैगन थिन लॉन्ग ब्लैक, इन्हें आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी बैगन आज लगे हुए हैं। तो देखिए इतने अभी बैगन यहाँ से मिले हैं, और ये जो बैगन का पेड़ है वो इस 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। और दूसरा आप देखेंगे तो हाँ, एक ये भी है, और दूसरा एक और जो पेड़ है वो यहाँ पर है, ये देखिए। तो इसमें भी काफ़ी बैगन अभी लगे हुए हैं। ये वाला ख़राब हो गया है, और भी कीड़े बहुत लग रहे हैं अभी, कुछ समय बाद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी देखिए
इतने जो है ब्लैक बैगन मिले हैं थिन लॉन्ग, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ और फिर दूसरे कलर वाले बैगन को हार्वेस्ट करते हैं। ये है हमारा दूसरा बैगन और अब आप देखिए इसमें काफ़ी बैगन लगे हैं और इनकी खासियत यह है कि ये छोटे होते हैं लेकिन इनमें बैगन बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आपने इनके चार पौधे भी लगा लिए 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में जैसे कि हमने ये लगाया हुआ है तो फिर आपको ढेर सारे जो है बैगन मिलते रहेंगे। अब देखिए अब आ जाते हैं हम दूसरे हमारे बैगन वाले बैग ग्रो बैग में। ये दो ग्रो बैग एक साथ रखे हैं और दोनों में ही बैगन लगे हुए हैं। और ये बैगन के पौधे हमने गर्मी में लगाए थे तब से ही इनसे हमें बैगन मिल रहे हैं और गर्मी में भी इनमें फ्रूटिंग हुई थी, अभी रेनी सीजन में भी हो रही है और विंटर में भी होती है, तो ये तीनों सीजन में हो जाते हैं। देखिए तो इतने हमने जो है, एक और पीछे है छोटा सा वो और तोड़ लेते हैं, तो इतने अभी हमें बैगन मिल गए हैं ये वाले, इन्हें भी रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये भी आप देखिए काफ़ी सुंदर दिखते हैं, वेरीगेटेड होते हैं, थोड़ा सा पर्पल कलर होता है इनमें और इनके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ख़रीद लीजिए। सेम क्वालिटी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, हाई जर्मिनेशन रेट वाले सारे सीड हैं, टेस्टेड सीड हैं और उन्हें ख़रीदेंगे तो आप मेरे साथ तोड़ सकते हैं अपने खुद के इतने अच्छे बैगन। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हमारा ब्लैक बैगन है जो कि लंबा होता है थोड़ा छोटा, मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा और ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होती है। आप देखिए हम एक ही जो है बैगन के पौधे से इतने सारे बैगन आज तोड़ रहे हैं और बहुत सारे इसमें ब्रांचेस आई हुई हैं जहाँ पर ढेर सारे बैगन लगे हुए हैं। और ये बैगन का पेड़ भी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और ये है हमारा ग्रो बैग, नीचे आप देख सकते हैं। और अभी इसमें ऊपर देखिए कितने अच्छे यहाँ पर फूल भी आ रहे हैं। और अभी कुछ बैगन हमने छोड़ दिए हैं छोटे हैं जो, और इतने जो बैगन हैं वो हमने तोड़ लिए हैं तो इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हमारे कुछ ये पिंक वाले बैगन हैं, हम इन्हें तोड़ लेते हैं और सब आज मिक्स बैगन अब हम रख लेते हैं जो जितने भी बैगन अभी हमें मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पे देखिए ये गोल वाले बैगन भी लगे हुए हैं और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, शायद ये ख़राब होने वाला है, ख़राब हो ही गया। और इसमें चिड़िया ने घोंसला बना लिया है आराम से, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये बैगन है। तो इस तरह से पत्ते में देखिए घोंसला बनाया हुआ है और उसमें अंडे दिख जाएंगे आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको देखना है तो यहाँ से देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ, ये देखिए ये हैं वहाँ पर जो पीछे रखे हुए हैं वो हैं अंडे, और इस तरह से बना है छोटा सा घोंसला, छोटी वाली चिड़िया है ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ बैगन लगे हुए हैं जो मिक्स टाइप के हैं, तो ये जो हमने पहले तोड़े हुए थे उसी कलर का है, एक रो बैग अलग रखा हुआ है। और इसके बाद अब हम तोड़ेंगे ग्रीन बैगन जो कि हमारे यहाँ पर हैं। अच्छा एक ये पिंक मिल गया, ये तो खराब हो गया है, इसको हटा देंगे। और ग्रीन बैगन में भी कुछ बैगन लगे हैं, कुछ बैगन में कीड़े लग गए हैं, इसमें कीड़ा लग गया है, ये बैगन खराब है। और इसके बाद पीछे एक लगा हुआ है उसे तोड़ लेते हैं। तो देखिए कीड़े बैगन में लगेंगे तो आपको उन्हें हटा देना है, नीम ऑयल से कुछ तो कंट्रोल होते हैं लेकिन पूरी तरह से ये कंट्रोल नहीं होते हैं, तो कुछ हमें अच्छे बैगन मिलेंगे और कुछ इस तरह से जो ख़राब हो जाएंगे उन्हें। बाकी अगर इतना बड़ा है तो आप इसे रख लीजिए, काट कर भी देख सकते हैं, अच्छा भी निकल सकता है और फिर इनका खाने में इस्तेमाल कीजिए। तो ये मिक्स बैगन मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ।
ये अमरूद जो है ये बीज से लगाया गया है और इसमें आप देखिए इसने जो है अमरूद बने हुए हैं। मैंने बीज से इसे लगाया था 18x18 इंच के ग्रो बैग में ही लगा है। 2 साल में हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसमें फ्रूटिंग होने लगी और अभी देखिए ये अमरूद तोड़ने के लिए तैयार है और चिड़िया या गिलहरी इसमें आकर खाने भी लगी है, तो इसे हमने आज तोड़ लिया है। इस तरह से ही अभी तोड़ना होगा क्योंकि ये रेनी सीजन के हैं। विंटर सीजन में जब इसमें अमरूद लगेंगे तो वो काफ़ी बड़े और अच्छे आएंगे। तो एक अमरूद हमें आज मिला है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे करौंदे और करौंदे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, इनकी चटनी भी आप बना सकते हैं। और पिछले बार हमने कुछ करौंदे तोड़े थे, अभी इस बार भी मैं यहाँ से जो है कुछ करौंदे तोड़ लेता हूँ इस तरह से। और ये गर्मी में ही लगते हैं, गर्मी में करौंदे लग जाएंगे, उसके बाद अब ये थोड़े इस तरह से पकने लगेंगे और अगर आप इन्हें लगा छोड़ देंगे तो यहीं पर ये पक जाते हैं, फिर आप इन्हें खा सकते हैं। उस समय ये मीठे लगने लगते हैं, अभी थोड़े से ये खट्टे लगते हैं और कांटे होते हैं इनमें, तो आपको ध्यान से इन्हें तोड़ना है। तो देखिए अभी मैंने इतने तोड़ लिए हैं जो लगभग बड़े बड़े थे सारे, और ये मिल गए हैं इतने हमें करौंदे। ये हमारी भिंडी, और कुछ भिंडी तो बड़ी हो जाती तो हम उसे पहले ही तोड़ लेते हैं और कुछ ये अब आज हार्वेस्टिंग में है तो इसे और तोड़ लेते हैं। बाकी ये भिंडी के पुराने पौधे हैं जिनसे हमें भिंडी मिल रही है। जो नए पौधे हमने लगाए हैं अब उनमें फूल आने लगे हैं, मतलब 15 से 20 दिन में हमें फिर यहाँ से भिंडी मिलने लगेगी। ये देखिए फूल भी आ रहे हैं अभी काफ़ी, ये देखिए काफ़ी बड़ी भिंडी लगी हुई है और अभी ये बिल्कुल खाने लायक है, ये देख सकते हैं। और सभी भिंडी टूट गई हैं, फूल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इतनी भिंडी हमें मिली है। और साथ में देखिए नए पौधे यहाँ पर हैं भिंडी के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए नए पौधे भिंडी के। और इनमें अब जो है भिंडी के फूल मैं दिखा देता हूँ आपको जो यहाँ पर आया हुआ है, ये देखिए तो यहाँ पर ये फूल अब बन गया है, तो बहुत जल्दी हमें यहाँ से भिंडी भी मिलने वाली है। तो इतनी भिंडी मिल गई है, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हमारी अरबी और कुछ अरबी के पत्ते हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अरबी के पत्ते की जो बेसन की जो बनती हैं, नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो बड़े बड़े पत्ते हैं हम हर बार यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं और फिर से अरबी के पत्ते उतने ही बड़े हो जाते हैं। तो देखिए आज इतने सारे जो है अरबी के पत्ते हमें मिल गए हैं, हमने तोड़ लिए हैं। अच्छा, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर इस तरह से आप थोड़े सेमी हार्ड मतलब सॉफ्ट पत्ते ही हार्वेस्ट करेंगे तो फिर इनका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो देखिए आज हमें हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से इतनी सब्जियां तोड़ने को मिल गई हैं, तो देख लेते हैं आज हमें क्या क्या मिला है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 गोल लौकी, इसके बाद एक ये स्नेक गर्ड, यहाँ पे अरबी के पत्ते, इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6 खीरा, इसके बाद यहाँ पे हमारी बरबटी। खीरा हमें पहली बार हार्वेस्टिंग करने मिली है, नए वाले ये करेले का जो ग्रीन करेले हरे करेले, इसके बाद ये हमारे जो करौंदा है, एक अमरूद भी मिला हुआ है, इतने सारे नींबू मिले हैं, देखिए ढेर सारे नींबू, यहाँ पे ढेर सारे बैंगन अलग अलग कलर के, ये वाइट वाले करेले, यहाँ पे ये काले लंबे वाले बैंगन और ये धारीदार बैंगन, इसके बाद यहाँ पे हमें भिंडी मिली है और ढेर सारे हमने तोड़े हैं अनार। अनार देखिए कितने सारे मिले हैं और ये अनार केवल 2 पेड़ जो हमारे लगे हुए हैं उनसे हमने तोड़े हुए हैं। तो ये सारी सब्जियाँ आपको कैसी लगें ज़रूर बताएं, कौन सी सब्ज़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसके बारे में भी बताएं। अभी मेरे टेरेस गार्डन में जो टमाटर हैं उनमें उनके पौधों में फूल आना शुरू हो गए हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इनमें अब फूल आने लगे हैं, तो बहुत जल्द हमें टमाटर हार्वेस्ट करने को भी मिलने लगेंगे। बाकी हमने नए बैंगन भी लगा दिए हैं और यहाँ पर लगी हुई है हमारी सेमफली, जो कि इसमें भी सेमफली बनने लगी हैं, तो अब सेमफली भी हमें बहुत जल्द हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगी।
तो कुछ ये नई सब्जियां और जुड़ जाएंगी हमारी हार्वेस्टिंग में। और बाकी आज की ये हार्वेस्टिंग आपने देखी। एक चीज मैं मिस कर गया, जो हमें मिली है ये देखिए, ककोरा भी हमें मिले हैं 3, जो कि हमने रख लिए हैं। तो हार्वेस्टिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन सारी सब्जियों को उगाने की टिप्स आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।